नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ विजयता घोष। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भागलपुर में समारोह पूर्वक मनाई गई शहीद तिलका मांझी की 271वीं जयंती, वक्ताओं ने इतिहासकारों पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर भड़के गोपालपुर विधायक, मुख्यमंत्री पर साधा जमकर निशाना, कहा जाति आधारित राजनीति करते हैं सीएम। मौनी अमावस्या को लेकर अजगै अविनाथ गंगा घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, कांवरियों से पटा रहा सुल्तानगंज। इस्माइलपुर के परवत्ता में जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी, किसान घायल, अपराधियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। और 1.5 माह बाद स्मार्ट सिटी को मिला नगर आयुक्त, शुक्रवार से शहर में सफाई व्यवस्था सुधरने की उम्मीद। अब खबरें विस्तार से। शहीद तिलका मांझी की 271वीं जयंती गुरुवार को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में समारोह पूर्वक मनाई गई। सर्वप्रथम बाबा तिलका मांझी की मूर्ति पर TMBU के प्रभारी कुलपति डॉ. संजय कुमार चौधरी, DSW प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह, पूर्व प्रॉक्टर प्रोफेसर विलक्षण रविदास समेत कई अधिकारी और कर्मचारी ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद विश्वविद्यालय सीनेट हॉल में एक सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पूर्व संगीत विभाग के छात्रों ने कुल गीत और स्वागत गान की प्रस्तुति दी। समारोह की अध्यक्षता कुलपति डॉ. संजय कुमार चौधरी ने की। इस दौरान DSW प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह ने वित्त परामर्शी पद्मकांत झा, प्रॉक्टर प्रोफेसर रतन मंडल समेत कई लोगों का बुके देकर स्वागत किया। इधर मुख्य वक्ता प्रोफेसर विलक्षण रविदास ने बताया कि बाबा तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में तिलापुर गांव में हुआ था और उन्होंने 1783 में अंग्रेज शासन के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ किया था। साथ ही तिलका मांझी ने अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को तीर की नोक से मार गिराया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1784 में गिरफ्तार करके अनेक यातनाएं दी। अंत में 1750 ईस्वी में तिलका मांझी को भागलपुर के ही तिलका मांझी चौक के समीप फांसी दे दिया गया। अपने संबोधन के दौरान प्रोफेसर विलक्षण रविदास ने कुछ इतिहासकारों पर तिलका मांझी को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भारत के स्वाधीनता के इतिहास में बाबा तिलका मांझी को स्थान नहीं मिलना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। समारोह में परीक्षा नियंत्रक डॉ. अरुण कुमार सिंह, DO डॉ. अभ्यानंद सहाय, PRO डॉ. दीपक कुमार दिनकर समेत कई शिक्षक और स्टूडेंट मौजूद थे। सवाल इस पर ऐसे अल्प जानकार लोग उठाते हैं जिन्हें बहुत गहराई से इतिहास के बारे में जानकारी नहीं। तिलका मांझी अस्तित्व हमेशा से रहा और विभिन्न किताबों में, गजटियों में इसका उल्लेख है कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक नायकों में से वो प्रमुख थे और अंग जनपद जो भागलपुर और संथाल परगना के प्रमुख नायक थे और उनके नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन ने आगे चलकर एक राह दिखाई। आज उन्हीं के नाम पर यह कृतज्ञ बिहार उनके नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना कर एक गौरवान्वित करने का काम किया है। बाबा तिलका मांझी के खिलाफ में भी संघर्ष काफ़ी तीखा हुआ। सैकड़ों गांव उजाड़े गए, हजारों लोग मारे गए उस काल में, और फिर 1785 के 13 जनवरी को उनकी शहादत हुई तिलकपुर गांव के पास। ये पूरा जो क्षेत्र है उसमें संयुक्त बंगाल प्रांत में था, बंगाल बिहार उड़ीसा एक साथ था। इतने बड़े भूभाग पर आंदोलन को नेतृत्व देने वाले, जनजाति आंदोलन के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हो रहे हैं हमारे यहाँ, बल्कि सच कहें तो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों को भगाने का बीड़ा उठाया था और उन्होंने अपना जीवन और परिवार को त्याग करके इस काम को आगे बढ़ाने का काम। इधर भागलपुर के तिलका मांझी चौक स्थित स्मारक पर गुरुवार को अमर शहीद बाबा तिलका मांझी की जयंती के अवसर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुष्पांजलि कार्यक्रम के अलावा नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया गया और इस सभा को ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन AIYF के प्रदेश अध्यक्ष संजीत सुमन, सचिन कुमार, सुधीर शर्मा, अरिंदम साधु, विपिन कुमार समेत कई लोगों ने संबोधित किया। लगातार 4 बार निर्वाचित होने वाले JDU विधायक गोपाल मंडल बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में जगह नहीं मिलने से मायूस दिखे। इस बाबत उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि लगता है उनके बड़बोलेपन के कारण उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली,
जबकि वे गंगोता समाज से आने वाले नेता हैं और लगता है कि मुख्यमंत्री जात की राजनीति साधने को लेकर कम जानकारों और पहली बार चुने गए विधायक को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। अपने बिगड़े बोल के कारण हमेशा सुर्खियों में रहने वाले विधायक ने आज फिर से विवादित बयान देते हुए कहा कि भाजपा उन्हें पचती नहीं है, लेकिन एनडीए में है तो मजबूरी है। साथ ही गोपाल मंडल ने जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर खुद को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर बात करने की बात कही। हमारा तो आधार बनता था, कहीं किंतु परंतु नहीं, और ऐसा कोई भूल नहीं किया, ऐसा कोई गलती नहीं किया, और हमको हमारा क्षेत्र ऐसा स्थिति है ना, ऐसा क्षेत्र है तो बरबुलिया तो बोलना पड़ता है, इसलिए बढ़ चढ़ के थोड़ा बोलते हैं, यही हमें कमी है। खट से जवाब देते हैं, कोई कुछ बोलता है मुँह पर जवाब देते हैं, यही हमें लाचारी है, बोलने में कसर करते नहीं। हमारा तो आधार बनता है, कहीं कोनो बात नहीं है। अब क्या कारण बना कि हमको मंत्री नहीं बनाए आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ने, आलाकमान तो वो है, हम लोग के गार्जियन हैं, सब दिन गार्जियन रहे हैं, और जब से चुनाव कोई पार्टी हमको सिंबल दिया नहीं, चार बार निर्दलीय लड़े, और दिया तो आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बुला के समता पार्टी से दिया, 53,139 मत ला के चुनाव हार गए 2000 में, उसके बाद देते गए, लड़ते गए 2005 में जीत गए। उसी टाइम मंत्रालय बनाने वाले थे, लेकिन हमारे ऊपर मुकदमा था, मर्डर केस, झूठा मोटा मुकदमा था, तो नहीं बना, फिर कोई बात नहीं। मौनी अमावस्या को लेकर सुल्तानगंज के आज गैवीनाथ धाम में सुबह से ही कांवरियों की भारी भीड़ उमड़ी रही। शहर में हर ओर कांवरिया की भीड़ दिखाई दी। सुल्तानगंज गंगा किनारे से जहांगीरा तक कांवरिया अपना डेरा डालकर शिव भक्ति में लीन रहे। वहीं बुधवार को भी नरक निवारण चतुर्दशी होने के कारण गंगा स्नान कर भक्तों ने बाबा गैवीनाथ मंदिर में पूजा की, जबकि भक्तों की अप्रत्याशित भीड़ के कारण पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं अजगैवीनाथ के महंत प्रेम आनंद गिरी ने बताया कि मिथिलांचल से आए कांवरिया नरक निवारण चतुर्दशी के दिन ही गंगा स्नान के बाद अजगैवीनाथ की पूजा करते हैं और मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान कर अपनी मौन व्रत तोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद कांवरिया गंगा जल लेकर अजगैवीनाथ धाम से बाबा धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बता दें कि मिथिलांचल से आने वाले कांवरिया यहां से गंगा जल लेकर देवघर जाते हैं और वसंत पंचमी के दिन बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। वही स्थानीय लोग इसे तिलकोत्सव समारोह भी कहते हैं, जिसके बाद शिवरात्रि में भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह सम्पन्न होता है। इसमें जो होता है बाबा वैद्यनाथ को तिलक ले करके लोग जाते हैं, इसे आसने आदि अनंत से आ रहा है, मिथिलांचल वगैरह जितना भी है सब लोग आते हैं, अधिक से अधिक संख्या में, लाखों की संख्या में लोग होते हैं और बड़ा शुद्धता बड़ा पवित्रता से लोग रहते हैं और गंगा के किनारे रहते हैं। खेती बाड़ी जमीन है, गंगा के किनारा किछाड़ा है, बालू है, उसमें बेचारे बड़ा कष्ट करते हैं, जितना भी अंग वस्त्र लाते हैं उसको धो धा करके बहुत शुद्धिकरण करके और जल उठाते हैं। पुलिस जिला नौगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी परबत्ता में देर रात अपराधियों ने जमीन विवाद को लेकर हत्या के आरोपी 50 वर्ष किसान महेंद्र मंडल को गोली मारकर घायल कर दिया। अपराधियों द्वारा किसान को गोली मारने की जानकारी मिलते ही 14 नंबर सड़क पर गश्ती कर रही परबत्ता पुलिस मौके पर पहुंची और घायल किसान को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। अपराधियों ने किसान के सीने पर गोली मारी है, लेकिन छर्रा वाली गोली होने के कारण उसके सीने में कई स्थानों पर जख्म हो गया है। बताया जा रहा है कि छोटी परबत्ता के सुबोध मंडल और गिरधारी मंडल से जमीन विवाद चल रहा था, जिसको लेकर सुबोध मंडल और गिरधारी मंडल ने महेंद्र मंडल को गोली मार दी। वहीं परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि घायल किसान की स्थिति खतरे से बाहर है और फिलहाल मायागंज अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। साथ ही कहा कि पुलिस द्वारा घायल का बयान दर्ज कर घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। भागलपुर नगर निगम के उप नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव को वित्त प्रभार के साथ नगर आयुक्त की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसको लेकर बुधवार की देर रात नगर विकास और आवास विभाग के अवर सचिव रामसेवक प्रसाद ने अधिसूचना जारी कर दी। जारी अधिसूचना में सरकार के अवर सचिव ने कहा कि नगर निगम में किसी पदाधिकारी के नियमित पदस्थापना नहीं होने तक उपनगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव नगर आयुक्त के रूप में कार्य करेंगे। गौरतलब हो कि नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी के तबादले के बाद निगम में पिछले 1.5 माह से नगर आयुक्त की कुर्सी खाली थी। हालांकि उपनगर आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद वर्मा प्रभारी नगर आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन वित्तीय पावर नहीं रहने के कारण साफ सफाई व्यवस्था ठप थी।
इधर नगर आयुक्त की मांग को लेकर मेयर सीमा शाह, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, नगर विधायक अजीत शर्मा ने सरकार को पत्र भी लिखा था। गुरुवार को पदभार ग्रहण करने के बाद नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर करना है। चुनौती तो अनेकों है, क्योंकि नगर की पहचान सफाई से ही होती है और सफाई में कुछ दिक्कतें थी। हम लोग का सामूहिक प्रयास होगा जो उस कमी को दूर कर सफाई व्यवस्था में सुधार लावे और गतिविधि जो है पूर्ण रूप से नियमित और संयमित हो। हाँ, वो ईंधन आपूर्ति के चलते सफाई काम में बाधा हो रही थी, शीघ्र ही उस बाधा को हम लोग दूर कर लेंगे और ये सफाई का काम अनवरत जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता सह भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा ने नगर आयुक्त से स्मार्ट सिटी की सड़कों से कूड़ा कचरा जल्द उठवाने की मांग की है। नहीं, परसों आए थे वो लोग उपनगर आयुक्त लोग, दो व्यक्ति, एक प्रफुल्ल यादव जी और एक और कोई थे सिटी मैनेजर। तो मैंने कहा, मैंने बात भी किया, मैंने पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री को लिखा है, अगर नगर आयुक्त पदस्थापन में देरी हो रही है तो आप किसी को पावर दे दीजिए, जिला अधिकारी को दे दीजिए या उपनगर आयुक्त को कीजिए। मैंने ये डिप्टी सीएम जिनके पास नगर विकास, उनको भी पत्र लिखा, उनसे भी आग्रह किया हूँ। आग्रह करने के बाद अभी सूचना मिली है कि कल उपनगर आयुक्त को पावर दिया गया, फाइनेंशियली पावर। तो मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम को करता हूँ कि आपने भागलपुर के विकास के लिए और ये खासकर जो कुचड़ा पूरा डंप पड़ा हुआ है पूरे शहर में, निश्चित तौर पर फाइनेंशियल पावर मिला तो अब निश्चित तौर पर शहर की सफाई होगी। सरकार के निर्देश के अनुसार कोरोना वैक्सीन के प्रथम चरण में स्वास्थ्य से जुड़े लोगों ने वैक्सीन ली और अब उनके बाद फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगाया जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि कोरोना योद्धा खुद भी वैक्सीन ले रहे हैं, साथ ही आम लोगों से भी वैक्सीन लेने की अपील कर रहे हैं। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नगर निगम परिसर में करीब 200 सफाई कर्मियों को टीका लगाया गया। इस दौरान निगम कैंपस में टीकाकरण के लिए कर्मियों की लंबी कतार लगी रही। नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव ने बताया कि सभी सफाई कर्मचारी, लिपिक, डाटा ऑपरेटर, अकाउंटेंट, नाजिर, टैक्स दरोगा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारियों को कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लेने की अपील की गई। वहीं कार्यालय अधीक्षक सब्बीर अहमद ने बताया कि वैक्सीन देने के बाद सभी को आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखे जाने की व्यवस्था निगम कार्यालय में ही की गई है, ताकि किसी भी तरह की सिम्टम होने पर उसकी देखरेख की जाए। बता दें, नगर निगम में कुल 941 कर्मियों का टीकाकरण कराया जाएगा। हाँ, ये जो है फ्रंट लाइन वर्कर को सरकार के दिशा निर्देश के तहत वैक्सीनेशन का कार्य किया जाना था। विगत दो दिनों से नगर निगम में ये काम चल रहा है और अब लोगों में जानकारी हुई है, जागरूक हुए हैं, तो दिनों दिन वैक्सीनेशन के प्रति रुचि बढ़ी है और उसी का ये आज देखने में मिल रहा है। जो लोग उत्साह से पूर्ण है और ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं जो मुझे वैक्सीनेशन। जिला परिषद की जमीन पर दुकान बनाकर बेरोजगारों को आवंटित करने के उद्देश्य से आवेदन तो ले लिया गया, लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी अब तक ना तो दुकान का आवंटन हुआ और ना ही किसी आवेदक को डीडी द्वारा ली गई अमानत राशि वापस की गई। बेरोजगार को रोजगार के अवसर मुहैया कराने को लेकर दुकान आवंटन के नाम पर जो राशि ली गई वह अब लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। बता दें कि कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी तो कई लोगों ने कर्ज लेकर यह राशि जमा की थी। वहीं इसको लेकर जब जिला परिषद के अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह से बात की गई तो उन्होंने सारा ठीकरा अधिकारियों के सिर फोड़ दिया। टुनटुन शाह ने कहा कि आंतरिक संसाधन बढ़ाने के लिए जिला परिषद की ओर से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदन लिया गया, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और लेट रवैये के कारण 6 माह बाद भी कार्य की प्रगति नहीं हुई है। हम लोग के यहाँ पंचायती राज, माननीय पंचायती राज मंत्री और प्रधान सचिव, उप सचिव, सारे लोग, सारे पूरे बिहार के डीडीसी लोग और पूरे बिहार के जिला परिषद अध्यक्ष की बैठक हुई थी और माननीय मंत्री रेणु जी थी उस समय बैठक हुई थी। बैठक में निर्णय लिया गया था कि जितने भी जिला परिषद की जमीन है उसको आप आंतरिक संसाधन बढ़ाने के लिए भाड़ा पर लगा सकते हैं, जिसके तरफ निविदा हुआ था। और निविदा बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि 6 माह हो गई और 6 महीना में हमको लगता है कि सैकड़ों आवेदन गिरे थे और कुछ तो फिर आवेदन नहीं हो सका कि जो है लॉकडाउन हो गया, नहीं लगाया, फलना चिलना, यह सब बात हुई। और उसके बावजूद भी मान ले कि कितना दुकान का आवंटन हुआ आज तक मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम जिला परिषद के अध्यक्ष हैं और विडम्बना कहिए
चूंकि हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी DDC होते हैं और DDC को पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है, और लेकिन अब किस कारण से मान लीजिए जिसका अगर मान लीजिए हो गया तो उसका दुकान का आवंटित कीजिए, जिसका नहीं हुआ तो उसका DD वापस कीजिए। माघी काली पूजा को लेकर भागलपुर के वारसलीगंज में काली पूजा समारोह का आयोजन किया गया। बुधवार की देर रात माघी काली की प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान के साथ निशा पूजा की गई। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और मां काली की आराधना की। बता दें कि प्रत्येक वर्ष माघी काली पूजा के अवसर पर इलाके के लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से पूजा समारोह का आयोजन किया जाता है। हालांकि इस कोविड महामारी के कारण कई पाबंदियां और सावधानी बरतने की बात जिला प्रशासन द्वारा की गई, जिसके कारण वैदिक मंत्रोच्चार और तांत्रिक विधि के साथ बिना किसी बड़े आयोजन के पूजा सम्पन्न हुई। वही पूजा को लेकर मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया और काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी जुटी रही। वहीं बांका के अमरपुर में भी विभिन्न मंदिरों के पट खुलते ही मां काली की पूजा अर्चना करने को लेकर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ गई और श्रद्धालु पूरी श्रद्धा से मां काली की पूजा अर्चना कर अपना और अपने परिवार की खुशहाली की मन्नतें मांगते नजर आए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सनोखर के किसानों के हित के लिए दिल की सुने मोतीलाल भगत को चुने, नेक दिल नेक इरादे। सनोखर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड पैक्स अध्यक्ष पद के शिक्षित सुयोग्य क्रमट समाज सेवी युवा उम्मीदवार मोतीलाल भगत उस अक्कू भगत के चुनाव चिन्ह पुल छाप क्रमांक संख्या 5 पर बटन दबाकर विजय बनावे। मोतीलाल भगत का वादा, किसानों का स्वर्णिम भविष्य है इरादा। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, non-AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुल्तानगंज प्रखंड के अब्जूगंज में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक श्रवण कुमार द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन अब्जूगंज पुरानी दुर्गा स्थान के प्रांगण में किया गया। इसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को बैंक खाते से होने वाले लाभ और साइबर क्राइम से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया गया। वहीं इस मौके पर सुल्तानगंज की 13 जीविका दीदी, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के कर्मचारी RR त्रिपाठी, जिला प्रवक्ता विकास कुमार करण, अजय कुमार साह, राकेश कुमार साह और कई ग्रामीण उपस्थित थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के DSW प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह का चयन भारत रत्न राजीव गांधी गोल्ड मेडल अवार्ड के लिए हुआ है। गोल्ड मेडल अवार्ड दिए जाने की घोषणा के बाद विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और अधिकारियों में काफी हर्ष देखा जा रहा है। बुधवार को TNB कॉलेज प्रशाल में सीनेट की वार्षिक बैठक के दौरान DSW प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह को TMBU परिवार की ओर से सम्मानित किया गया। मौके पर कुलपति डॉ. संजय कुमार चौधरी, कुल सचिव डॉ. निरंजन प्रसाद समेत कई सीनेट सदस्य और अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी। वहीं DSW ने सभा का आभार जताया। इस अवार्ड की सिलेक्शन इसके सामाजिक, शैक्षणिक कई डायमेंशन होते हैं और कई डायमेंशनों से गुजरते हुए इस अवार्ड की प्रक्रिया को अपनाई जाती है, और मुझे तो यह पत्र कल ही प्राप्त हुआ। चूँकि सिलेक्शन की प्रक्रियाएं और भीतर की उनकी संस्था की क्या रही होगी वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये दिए जाते हैं सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले व्यक्तियों का चयन वो अपने मानदंडों पर करती है। भागलपुर के आदर्श थाना कोतवाली में गुरुवार को सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में समिति के सभी पदाधिकारियों ने कोतवाली इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार के समक्ष पूजा की तैयारी को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान इंस्पेक्टर ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष जिला पदाधिकारी के निर्देश पर सभी सार्वजनिक स्थानों में पूजा अर्चना पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कहा कि पूजा के बाद लंबे समय तक प्रतिमा को रखने और DJ बजाने पर पाबंदी रहेगी।
इसके अलावा मैट्रिक परीक्षा को लेकर भी कई दिशा निर्देश दिए गए। वहीं बांका के धोरैया थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां लोगों से शांतिपूर्वक पर्व मनाने के उपायों पर चर्चा हुई। धोरैया थाना परिसर में बैठक की अध्यक्षता सीओ हंसनाथ तिवारी और थाना अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद राय ने किया। वहीं बैठक में धोरैया प्रमुख पति रंजन कुमार शर्मा, घसिया पंचायत के मुखिया मनोज कुमार, अमरेंद्र सिंह, रफीक आलम समेत कई लोग उपस्थित रहे। इस दौरान सीओ ने सभी लोगों से उनके क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में भी पूछा। साथ ही उन्हें सरस्वती पूजा के दौरान सभी को यह निर्देश दिया कि सरकारी निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा और सामाजिक सभ्यता को कायम रखना होगा। घरेलू विवाद को लेकर चाचा ने अपने भतीजे पर जानलेवा हमला कर दिया। मामला नारायणपुर का है, जहां 20 वर्षीय जितेंद्र यादव अपने खेत से घास लेकर घर की ओर आ रहा था, तभी बादल यादव नामक युवक ने जितेंद्र यादव पर घोड़े को मारने वाले कोड़े से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जितेंद्र को ग्रामीणों की मदद से स्थानीय मेडिकल में भर्ती कराया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। वहीं मामले को लेकर कुछ लोगों ने बताया कि बादल यादव ने बिना कुछ कहे ही जितेंद्र को पीटना शुरू कर दिया। बहरहाल जब वह बुरी तरह से जख्मी हो गया तो बादल यादव मौके का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। तीन काला कृषि कानून के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार राज्य किसान सभा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति पिरपैती द्वारा लकड़ा कॉल पैक्स गोदाम में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। किसान गोष्ठी की अध्यक्षता विजय पांडे ने की, जिसके बाद किसान जागरण रथ यात्रा को झंडा दिखाकर रवाना किया गया। ये रथ 11 फरवरी से 23 फरवरी तक जिला में सभी किसान को किसान आंदोलन के पक्ष में जागरूक करेंगे और तीनों काला कानून के समर्थन में किसानों को जगह जगह किसान संगोष्ठी कर समझाएंगे। अवैध ढंग से शराब निर्माण को लेकर कटोरिया के राधानगर निवासियों ने हल्ला बोलते हुए मुख्य सड़क को जाम कर यातायात प्रभावित कर दिया। मामला कटोरिया थाना के राधानगर के महादलित टोला का है, जहां के लोगों ने सड़क पर निकलते हुए स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध जमकर हंगामा किया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि शिकायत के बावजूद स्थानीय पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और शराब तस्कर यहां अवैध ढंग से शराब निर्माण कर धड़ल्ले से दूसरे जगह शराब भेज रहे हैं। अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भागलपुर में समारोह पूर्वक मनाई गई शहीद तिलका मांझी की 271वीं जयंती, वक्ताओं ने इतिहासकारों पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर भड़के गोपालपुर विधायक, मुख्यमंत्री पर साधा जमकर निशाना, कहा जाति आधारित राजनीति करते हैं सीएम। मौनी अमावस्या को लेकर अजगैवीनाथ गंगा घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, कांवरियों से पटा रहा सुल्तानगंज। माइलपुर के परवत्ता में जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी, किसान घायल, अपराधियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। और डेढ़ माह बाद स्मार्ट सिटी को मिला नगर आयुक्त, शुक्रवार से शहर में सफाई व्यवस्था सुधरने की उम्मीद। आज के बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।